सोचो, आज सीखेंगे गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, जो एक बच्चे के अंदर अच्छी अच्छी आदतें आनी चाहिए। घरों पे हो या फिर स्कूल में हो, हमारे बच्चों के जो आसपास जो बच्चे होते हैं या फिर आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए वो सीखेंगे। पहला है ब्रश योर टीथ एवरी डे, अपने दांतों को रोज ब्रश करो। जैसे कि एक छोटा बच्चा है और ये पानी से उसको साफ कर रहा है, तो ये पानी को पहले खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रश कर रहे हो तो बंद करना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोलगेट से या फिर जो ब्रश होता है आपका, दांतों से ब्रश करना चाहिए। तो आपके जो कीड़े होते हैं दांतों के अंदर, जो आपका जो खाना खाते हो आप सुबह में या रात में, तो वो ब्रश में आपके दांतों के अंदर फंस जाता है, तो उसको निकालने में अच्छा रहता है, आपके जो दांत होते हैं साफ हो जाते हैं। तो डेली आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह को और शाम को सोने से पहले, ठीक है बच्चों। दूसरा है टेक ए बाथ डेली, आपको रोज़ सुबह नहाना चाहिए। अगर गर्मी होती है तो 2 टाइम आप नहाओ, सुबह को और शाम को, ठीक है। तो डेली आपको नहाना चाहिए, टेक ए बाथ डेली, डेली आपको रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ नहाओ। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, जो भी कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन में डालो, कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालो, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे से थैंक यू व्हेन एवरीवन गिव्स यू समथिंग, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे या फिर कोई चीज़ दे दे तो उसको आप थैंक यू बोलो, ठीक है। थैंक यू बोलो अगर कोई आपको कुछ चीज़ दे, या कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है आपको कोई पेंसिल दे रहा है या फिर आपने किसी से पेंसिल मांगी है, ठीक है। तो वो उसको, जैसे आपने उसको चीज़ दी, कोई भी आपको चीज़ दे रहा है तो उसको थैंक यू बोलो। जैसे कि ये आप है और आपको कोई चीज़ दे रहा है, या पेंसिल या पेन या फिर कोई कॉपी या फिर कोई चीज़ दे रहा है, तो आप उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। तो इसने इसको चीज़ दिया है तो ये बच्चा इसको थैंक यू बोलेगा, ठीक है। तो मैं, जैसे कि आपने मुझे कोई चीज़ दिया है, आपने मुझे ये पेंसिल दी, आपने मुझे ये पेंसिल दी, ठीक है, तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा बड़ों का सम्मान करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं तो डेली सुबह आपको उठकर सम्मान करो, आपके आस पड़ोस में जो बड़े होते हैं उनका सम्मान करो, ठीक है। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, उनको प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो, ठीक है। प्रणाम करना चाहिए, जैसे कि कितना अच्छा बच्चा है ये, प्रणाम करना है इनको, ठीक है। तो अपने माँ बाप पापा को प्रणाम करो, बाहर में जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करो। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, जब भी आप खाना खाते हो या भी आप कुछ खाते हो तो उससे पहले आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है, और बाद में भी आपको हाथ धोने चाहिए। जैसे आपने कोई खाना खाया है या फिर कुछ चीज़ें खाई, आइसक्रीम खाई है, तो उससे पहले, या फिर कोई बिस्किट खा रहे हो आप तो उससे पहले हाथ धो, ठीक है। उसको खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, खाने के बाद जो उसके मीठा होता है वो आपके हाथों में लग जाता है, या खाना खाते हो तो उसके उस आपके हाथों में लग जाता है, तो वो आपके तो हार्ट में बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो आपको हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद या कुछ भी चीज़ खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। उसके बाद सीखेंगे क्रॉस द रोड ऑन द ज़ेबरा क्रॉसिंग, जहाँ पे भी जो रोड होता है आपको उसको क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए, जहाँ पे जो वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सी पट्टियाँ होती हैं उनको ही पार करना चाहिए। जब गाड़ी रुक जाए तो उसी रास्ते पे से पार करना चाहिए, ठीक है। डेली सुबह ब्रश करो, रोज़ सुबह नहाओ, रोज़ अपना जो कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन में ही डालो। डस्टबिन मतलब आप कूड़ा कचरे की जो रखने वाली चीज़ होती है उसके अंदर ही आप डालो, कचरा रखने वाली चीज़ में। अगर आपको कोई चीज़ दे तो आप उसको थैंक यू बोलो। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो, ठीक है। और हमेशा जो रोड होता है, जो रोड जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसको ही पार करो, उसी पे से चल के पार करो। तो वीडियो को करो लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।